हाय गाइस, आज का रेसिपी है केक वाला डिजर्ट बना रहे हैं। मेरा बच्चा को बहुत पसंद है ये केक का डिजर्ट, इतना सॉफ्ट होता है मुंह में जाते ही पिघल जाता है। इसको क्रीम से नहीं बना रहे हैं, हम खुद इसका मिल्क और मिल्क पाउडर से इसका क्या बोलते हैं, इसका ऊपर का हम क्या बोलते हैं सॉक्स बनाए हैं। इसको देखिए कैसे बनाए हैं, चलिए इसका रेसिपी देखिए पूरा प्रोसेस आगे, और आप लोग बना खाइए, बहुत अच्छा टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुँह में खाइए लगता है एकदम, पता ही चलेगा कि मुँह में एकदम से ये हो गया। देख रहे हैं 4 मिनट तुरंत इतना ख़त्म कर दिया, इतना ही बचा हुआ है, इतना टेस्टी लगता है। इसको फ्रिज में सेट करने डाल दीजिएगा तो वो और अच्छा सेट हो जाता है। हमको मेरा बच्चा को भी जल्दी से खाना था, इसीलिए हम सिर्फ 15-20 मिनट ही इसको फ्रिज में रख के उसको निकाल दिए। इतना सॉफ्ट सॉफ्ट होता रहता है, इतना ही लगता है मत पूछिए। चलिए आप लोग भी बना खाइएगा, आगे चलिए इसका प्रोसेस देखिए क्या है। सबसे पहले हम घी गर्म करने दे दिए हैं, घी गर्म हो जाए उसमें 2 चम्मच मैदा, हम बड़ा चम्मच से 2 चम्मच मैदा है उसको, जैसे ये पास्ता के लिए सॉक्स बनाते हैं ना उसी तरह मैदा को उसी उसी कलर में इसको भून लेना है। तो पूरा जैसे बटर है, आपके पास घी है, जो भी जिस में भीगना चाहता है उसको अच्छा से उसी पर हल्का हल्का रेड रेड चाहिए इस मैदा को, इस तरह भी भून के उसको भूज के निकाल लीजिए। इसको गैस को लो कम रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखिएगा नहीं तो जल जाएंगे, कम करके इसको पूरा भूज लेना है। ये देखिए मेरे पास क्या बोलते हैं मार्केट से मंगाई थी एक केक, ये वाला था, वो केक को कोई बोल लेना है जैसे लंबा वाला है या चौड़ा वाला जो भी है, मेरे पास ये गोल वाला था उसमें हम लगा दिए हैं, और वो जो मैदा से भून भून के रखे तो वो है, और ये मिल्क है। चलिए वही हम निकाल दिए, मैदा निकाल दिए थे, उसी में दूध हम 1 कप डालेंगे, 1 कप दूध डाल देते हैं इसमें। और ये मिल्क पाउडर है, अब मार्केट आसानी से मिल जाता है, ये 2 चम्मच है, 12 चम्मच से 2 चम्मच मिल्क पाउडर है। ये डाल कर अच्छा से मिक्स करना है, ये वो क्या बोलते गांठ नहीं होना चाहिए, और आपको जितना मीठा चाहिए वो हिसाब से मीठा दे दीजिए, चाहिए देना है नहीं चाहिए नहीं देना है। इसको अच्छा से मिक्स करना है, गैस को लो ही रखना है, तेज नहीं करना है, धीरे धीरे इसको पूरा मिक्स करना है। पता देखिए मिक्स हो गया एकदम से, मेरा ये पूरा खुलने लगा है, अब फिर गैस को लो कर देंगे हम, लो करके फिर इसमें हम वो जो मैदा का जो भुंजे थे वो देख रहे हैं उसको थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। एक लब्स नहीं बनना चाहिए, गांठ नहीं होना चाहिए, इसको अच्छा से मिक्स करिए, गैस को एकदम लो कर दीजिएगा, नहीं होगा तो गैस बंद कर दीजिएगा। इससे हमको नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इससे हमको केवल नहीं मिला पा रहे थे, गांठ बन रहा था, इसे मिलाने वाला कर्ची आता उससे हम मिलाए हैं इसको, लेकिन मिक्स करने वाला कर्ची आया उससे हम इसको दोबारा मिक्स किए। इसको ऐसे गैस को हम धीमी कर दिए थे, और इसको धीरे धीरे चम्मच डालते गए भुना हुआ मैदा को, और अच्छा से मिक्स किए। इस तरह आप लोग को भी ऐसे करके धीरे धीरे इसे अच्छा से, एक भी लम्स नहीं होना चाहिए, लम्स रहेगा तो वो अच्छा नहीं बनेगा और इतना सॉफ्ट नहीं होगा, इसलिए इसी तरह करके आप भी अच्छा से मिक्स कर लीजिएगा पूरा, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा। देखिए पूरा मिक्स किया है, देख कितना ये हो गया है, एक भी लम्स नहीं है। इसको हम गैस को लो करके इसको धीरे धीरे करके डालते गए, मिक्स करते गए, देखिए तब इसका सॉफ्ट क्रीम बन जाएगा, मतलब सॉफ्ट क्रीम बोलिए, सॉफ्ट वाला या सॉक्स बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए। इसमें अच्छा से इसको चलाते रहना है, और इसको कर्ची उच हिलाते रहना, नहीं तो कर्ची नहीं हिलाइएगा तो फिर ही तरी में लग जाएगा, जल जाएगा, बेकार हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे चलाते रहिएगा, अपने ही बनते जाएगा धीरे धीरे, जिस तरह क्रीम होता उस तरह का हो जाइए। तो जैसे कर्ची में लग रहा है तो मुझे हो गया है, अब थोड़ा सा और लगेगा। इसको हम गैस को है लो कर रखे हुए हैं, इसको धीरे धीरे चलाते जाइए,
अगर कहीं चला तो वही हाथ धीरे करके तेज नहीं करना है गैस को, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। इतना सुंदर ये टेस्टी लगता है ये खाने में, मत पूछिए। देखिए ये भी हो चुका था, आप ये जितना है इसका बेहतर लेके जो बनाए हैं इसका इसके ऊपर के लिए लेयर वो हमें केक वाला पर डाल देंगे। एक लेयर केक का है, दूसरा लेयर ये लगा देंगे। ये थोड़ा उसी का क्या बोलते हैं कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है कि उसी का धुआं आ रहा है, इसीलिए इसको अडैप्ट करते जाएंगे। और मेरे पास क्या बोलते हैं तूती फ्रूती का एक कलर ही था तो वो हम डाल दिए हैं। आपके पास कलर सब कलर हो वो डाल सकते हैं इसके ऊपर, या इस पर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो चाहिए वो करके बस सजा दीजिए इसको ऊपर से। और इसको फ्रिज में सेट होने के लिए 2 से 3 घंटा डाल दीजिए। मेरे हम इसको बहुत 15-20 मिनट रखे थे क्योंकि बच्चा को खाना था। मम्मी दो देख रहे कितना ये बना है, सब कितना यम्मी बना है, देख रहे हैं। देखिए बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप लोग बनाइए खाइए। अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिएगा, मुँह जाते ही भूल जाएगा एकदम से। बहुत टेस्टी है, आप लोग भी आइए खाइए और बनाइए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे चम्मच उठाए मेरा बुआ है, देखिए जैसे चम्मच में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए कितना सॉफ्ट है, देखिए पास से दिखा रहे हैं। इसको 2-3 घंटा सेत होने देते तो और अच्छा सेत हो जाता, तो और अच्छा से ये होता। देखिए मेरा बउआ का क्या बोलते हैं मम्मी दो मेरे मुँह में डालो तो उसके मुँह में डाल दिए। देखिए मेरा बाबू वहीं खड़ा था, मुँह में डालो मम्मी तो उसके मुँह में डाल दिए, इतना पसंद है वो बच्चा मेरा। हमें अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा।